नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म से जुड़ी बातों में स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब से श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की बातें चल रही हैं, जब से ये बात सबको पता चला है कि फाइनली राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लहर उठ चुकी है, देश में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, ऐसे में हम आपको आज एक कथा सुनाने वाले हैं जो पूरी तरीके से पौराणिक कथा है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी जिसकी वजह से श्री राम का अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु जी को? चलिए आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। वैसे दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, श्री राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरे देश के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिससे आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे। तो चलिए अब बताते हैं कि श्री राम से जुड़ी ये अनोखी कथा कि श्री राम ने किस वजह से धरती पर जन्म लिया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म क्यों लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शनों की इच्छा से बैकुंठ पधारे, तब उनको दो द्वारपालों ने प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया और उनका उपहास उड़ाने लगे। तब संकादिक मुनि ने गुस्से में आकर दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। जय विजय दोनों के बार बार माफी मांगने पर मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु ही 3 जन्मों में तुम्हारा वध करेंगे, उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन दोनों द्वारपालों ने पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में लिया। तब भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए और इन दोनों का संहार किया। दूसरा जन्म इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया। तब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर इनका अंत किया। तीसरे जन्म में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर इनका वध किया और इसके बाद इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक और कथा है, धार्मिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि को कामदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण अहंकार घर कर गया। तब अहंकार से ग्रस्त नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर कामदेव को जीतने की बात बताते हुए अपनी बहुत प्रशंसा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए माया रची। वैकुंठ से लौटते समय नारद मुनि ने एक सुंदर नगर के भव्य महल में एक अति रूपवती राजकुमारी को देखा और उस पर मोहित हो गए। राजकुमारी से विवाह की इच्छा लिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे खुद को सुंदर और आकर्षक बनाने की विनती करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हम वही करेंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर नारद जी का मुंह बंदर जैसा बना दिया। खुद के रूप से अनजान नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने उसके महल पहुंचे, जहां और भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह के लिए आए हुए थे। वहां भरी सभा में सब नारद मुनि का बंदर वाला चेहरा देखकर हंसी उड़ाने लगे और राजकुमारी ने भी नारद मुनि को छोड़ एक अति सुंदर राजकुमार का रूप धरे भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। तब नारद मुनि ने अपना मुख जल में देखा, तब अपना मुख बंदर जैसा देख उनको भगवान विष्णु पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और वो बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु के साथ वही राजकुमारी बैठी हुई थी। तब क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपकी वजह से मेरा मजाक बना, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और आपको बंदरों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। आपकी वजह से मुझे अपनी प्रिय स्त्री से दूर होना पड़ा, इसीलिए आप भी स्त्री वियोग सहेंगे। माना जाता है नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मनुष्य जन्म लिया। तो दोस्तों, आज की ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।